बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, बहुत खुश हूँ। तो ज़ाहिर बात बंदा खुश होता है जब अपने मुल्क जाता है, अपने घर जाता है। तो अभी तक तो बोर्डिंग नहीं ओपन हुई, तकरीबन 3:40 पर मेरी फ़्लाइट है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ से मैं इटली से जाऊँगा दोहा, दोहा से फिर इस्लामाबाद जाना है। मैं तकरीबन 3 साल हो चुके हैं नहीं गया पाकिस्तान। तो इस वक्त न्यू पाकिस्तान न्यू एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का न्यू एयरपोर्ट बना है, आपको पता है सब भाइयों का। तो पाकिस्तान भी नया बना है, इमरान खान आ चुका है, तो अब उसकी गवर्नमेंट है। तो अब जा रहा हूँ, देखते हैं क्या हुआ है हमारे मुल्क में, क्या चेंजिंग आई है। जब लास्ट टाइम मैं गया था तो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है, इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देखेंगे, पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये है मेरा सामान अभी तक, क्योंकि बोर्डिंग ओपन नहीं हुई अभी तक, सारा काम रहता है, मुकम्मल रहता है। तो चलो देखते हैं फिर आज का सफ़र कैसे रहता है, अल्लाह के करम से उम्मीद करता हूँ ठीक ही गुजरेगा। जी बोर्डिंग हो चुकी है मेरी, तो अभी वेटिंग हॉल में हूँ, वेट कर रहा हूँ। अभी तो टाइम 1:41 हो चुके हैं, ये देखें 1:41 हो चुके हैं, 3:40 पे है फ्लाइट, जो हमारा एयरलाइन है वो आ चुकी है। ये देखिए इतिहाद एयरलाइन है, ये ना इतिहाद नहीं कतर है गलती से। तो अभी वेटिंग हॉल में हूँ, वेट कर रहा हूँ। ये देखें वो पीछे बाहर है, बहुत ही मज़ा आने वाला, अच्छा सफ़र होगा इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। तो चलो देखते हैं फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इमरान खान का दौर है भाई। तो ये जैकेट है, वो दूसरा मेरा बैग है जिसमें लैपटॉप वगैरह और टूर का सामान है। पता है आपको वीडियो भी एडिट करनी होती है, अपलोड करनी होती है, इस वजह से लैपटॉप है, उसकी कुछ चीज़ें हैं। तो कैमरा है, गुरिल्ला पॉड है, 5 किट है, वो मैंने मीडिया बोर्ड से ऑनलाइन मंगवाया था। आपको पता है जो पहली मेरी फर्स्ट वीडियो थी ना, वो मैंने बनाई थी ट्राईपोर्ड के हवाले से, गिम्बल के हवाले से, तो वो मुझे नहीं मिला था। वहाँ पर सिर्फ जो ट्राईपोर्ड थे और गुरिल्ला पोर्ड का एक ट्राईपोर्ड था, वो 3 किट था, 3 किट, तो मुझे 5 किट का चाहिए। अभी तक तो वेट कर रहे हैं, 3:33 हो चुके हैं, अभी तक पैसेंजर आ रहे हैं, तो अभी तक तो वेट ही कर रहे हैं। इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा, सफ़र काफ़ी है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं घर पहुंचने तक वीडियो बनाता रहूँगा। तो had a nice view of the leaning tower, so on departure we'll begin our left turn, and if you look out the left side of the aircraft you might be lucky enough to see the leaning tower and all of the other monuments and buildings in the area. That said, we're lucky to have in our main cabin today our cabin seat, Miss Trudy and the crew. We'll look after your safety as well as your comfort. We trust you'll enjoy our award-winning in-flight services. Well, that's all I have for you for now. Once we depart the stand, we'll make our way to the runway and 5 hours, 54 minutes takeoff to landing. We certainly hope you enjoy your time spent aboard. Please enjoy the flight. Thank you. अभी मिजाज में बैठ चुके हैं, तो फ्लाई होगा तो टेक ऑफ होगा 3:40 पे, तो 3:18 हो चुकी है। तो अभी वेट कर रहे हैं, पैसेंजर अनाउंसमेंट हो रही है। तो इतने तकरीबन एयरबस ही है, 0-0-1-3-4। तो इतनी बड़ी फ्लाइट नहीं है, लास्ट टाइम मैं एमरेट में गया था तो वो काफ़ी बड़ी थी, तो वो बलोनी से थी, ये पीसेस से थे। तो अब देखते हैं, लेकिन ठीक है, बस वैसे गोइंग टू इन हॉट, दिल में जाना है पाकिस्तान में अपने घर में, तो ठीक है।
इतनी बड़ी फिल्म है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आते हैं खाने की तरफ। तो मैंने अब चिकन कॉब्स ये ऑर्डर किया था, इसमें टमाटर राइस, फ्राइड ओनियन एंड ग्रीन्स। तो इन्होंने ये बिरयानी दी है, चिकन जो राइस है हमारे, एक बॉटल है वाटर की, ये उसके लिए ग्लास है, ये इडली से ये मैंगो जूस है और एक ब्रेड है। तो ये है खाने का मेन्यू जो है मैंने ऑर्डर किया था। तो टाइम हो चुका है, इडली का टाइम चल रहा है 5:02 हो चुके हैं, टाइम का पता नहीं चला। 3:40 पे हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम जो था। तो चलिए खाते हैं बिल का। अपना नाम बताओ। मेरा नाम राहुल है जी। इसका नाम राहुल है, एक रेस्टोर है वो काम करता है इस प्लेन में, तो वो हमारा दोस्त बन चुका है। उसका नाम है टोरंटो उसका नाम है। तो वो कहता है आपने क्या खाना, आप हमारे दोस्त बन चुके हैं तो हमने ये मांगे है। ये बहुत ही लजीज है, बहुत ही मजे के हैं, टेस्टी है। और हमारे साथ एक और भी फ्रेंड है, हम लूसी क्या हमारा लोरेंसो, इसका नाम है लोरेंसो। अच्छा ये कह रहा है मैं खा लू फिर बाद में करता, कह रहा है सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। तो मजा लेते हैं, तो फिर बाद में देखते हैं आगे क्या होता है भाई, फिर मिलते हैं। गाइस अभी हम दोहा पहुंच चुके हैं, लेकिन एयरपोर्ट यहाँ पर है। अभी हम शेरास है वो वहाँ से गुजर रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हमने फ्लाई किया था पीसा से, तो ये हमारा रूट इस जगह पर है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट है, यहाँ पर लैंड करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम इस साइड चले जाएंगे। इस चेयर पर नहीं, वो मैप आगे है, मेरा मतलब है
जो आगे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, मैप किधर चला गया है, टोटल रूट ये है। तो यहाँ पर दोहा का अमाद एयरपोर्ट है, इस तरफ जाएंगे आप साइड पर, जो बादल से बादल नज़र आ रहे थे ना वहाँ पर बारिश हो रही थी, तो बहुत ही प्यारा नज़ारा था, वो आपको मैं दिखाने जा रहा था। तो इतना साफ व्यू नहीं आया, नहीं बना सका क्योंकि वो ज़्यादा दूर था इसलिए, लेकिन कुछ कुछ शॉट्स हैं वो लिए हैं अपने। लैंडिंग हो चुकी है, ये सब अपना सामान ले रहे हैं। अथला अथला राहुल अथला, हेलो सर, क्या हाल चाल है, लैंड हो गए हैं जी। तो एयरपोर्ट में जाएंगे तो फिर देखते हैं, इस गेट पर जाना है तो पहले तो बाहर निकलते हैं। इधर आओ,
Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Doha with Rahul. Rahul Kumar. Rahul Kumar. तो अभी हम जाएंगे अपने गेट पर जो हमारा नेक्स्ट गेट है तो अगली फ्लाइट का इंतज़ार करते हैं हमने उस तरफ जाना है ऑल गेट्स गेट नंबर ये है मेरा बोर्डिंग पास This is his working plan. Seat number 27A. So all gates is taraf hain abhi. Oh yeah, rehne de. Nahi zarurat hai. नहीं 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 व्हाट हैपेंस हैं सिगरेट राहुल भाई कहते हैं हमने यहाँ से सिगरेट लेने हैं तो गोल्डन थ्री एक्स स्पोर्ट्स कार है तो बहुत ही प्यारी है ये बुलेट देखें आप ये पोर्श है बहुत ही प्यारी कार है थैंक यू और ये इसकी डिटेल है तो ये दोहा का इंटरनेशनल अमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बहुत ही प्यारा है तो राहुल चला गया उसका जोन बी था B6 पर तो मैंने अब जाना है A6 पर तो वो अपनी तरफ चला गया मैं अपनी तरफ जा रहा हूँ जो हमारा गेट है तो 2:40 पे मेरी फ्लाइट है तो
एयरपोर्ट देखा, ठीक है इतना जितना इसके बारे में सुना था इतना ज़्यादा डिज़ाइन और खूबसूरत नहीं है, लेकिन ठीक है दूसरों की नासब, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। तो अभी देखते हैं कैसे ये इंजॉय करते हैं सफ़र को, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुँचेंगे तो फिर आप दिखा देंगे, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। अभी फ़िलहाल बनाते हैं।